तुमसे सांसें मेरी देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते हाल मैंने किसी को सुनाया नहीं खुद तो रोई अली को बताया नहीं मेरा पहलू शिकस्ता है बस इसलिए अपने सीने पे तुझको लगाया नहीं टूटी है पसलियां कर ना पाई बयां कितनी तकलीफ में जी रही है ये माँ देखो हुसैन ए रज़ार ज़ीशान दिल थाम लो के शब्बीर कहते थे अम्मा सुनो देखो तुमने बुलाया तो मैं आ गया जब बुलाऊंगा आओगी वादा करो माने वादा बेटा चुप हो गया जब जनाजा उठा फिर ना आई सदा देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे थे सलावत थी सलाम बराए खुशनूदी जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलवात आप लोगों से गुजारिश है करीब तशरीफ ले आइए जरा थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए जनाबे कौसर नकवी साहब का एक सलाम पेश खिदमत है बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए वो जिसको उल्फते आले नबी अच्छी नहीं लगती वो जिसको उल्फते आले नबी अच्छी नहीं लगती किसी मो मिन को उससे दोस्ती अच्छी नहीं लगती किसी मो मिन को उससे
दोस्ती अच्छी नहीं लगती, ना गूंजे जिसमें हर दम तज़किरे हाले मुहम्मद के, कभी हम को वो कूचा वो गली अच्छी नहीं लगती, कभी हम को वो कूचा वो गली अच्छी नहीं लगती। इजाद भाई शेर पेश खिदमत है। उदुए मुर्तजा का नफ्सियाती मसला ये है कि उसको मुर्तजा की बरतरी अच्छी नहीं लगती, वो शहर इल्म तक हरगिज कभी आ ही नहीं सकते, जिसे इस शहर की बारादरी अच्छी नहीं लगती, जिसे इस शहर की बारादरी अच्छी नहीं लगती। ये हासिल कलाम शेर है, आप सबको हदिया है। अली के दुश्मनों की ये जरा नादानियां देखो, अली के दुश्मनों की मुश्किल में मगर नादे अली अच्छी नहीं लगती, है मुश्किल में मगर नादे अली अच्छी नहीं लगती। एक दफा बाबा जी से बात पढ़िए। मैं जब सुनता हूँ आते हैं अली नजाम बाली पर अजल लगती है अच्छी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, अजल लगती है अच्छी जिंदगी अच्छी नहीं लगती। किसी ने रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह मुनाफिक की निशानी बताइए। कहा अली का तस्करा मुनाफिकत की मौत। तो शेर पेश खिदमत है आप लोगों को। मुनाफिक आ नहीं सकते अली
ذکر کی جانب منافق آ نہیں سکتے علی کے ذکر کی جانب کبھی چم گادڑوں کو روشنی کبھی چمگادڑوں کو روشنی اچھی نہیں لگتی کبھی چمگادڑوں کو روشنی اچھی نہیں لگتی کہا زینب نے رو کر یوں نہ جائیے چھوڑ کر بابا جدائی ماں کے بعد اب آپ کی اچھی نہیں لگتی اے کوثر یہ علی والوں کی فطرت کا تقاضا ہے غدیرے خم سے ہٹ کر میں کشی اچھی نہیں لگتی غدیرے خم سے ہٹ کر میں کشی اچھی نہیں لگتی وہ جس کو الفت آل نبی اچھی نہیں لگتی کسی مومن کو اس سے دوستی اچھی نہیں لگتی برائے خوشنودی جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کلت الالسن عن غایت صفته والعقول فی کنہ معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته والصلاة والسلام على حبيبه وأشرف بريته بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته
الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الشموس الضحى وأقمار الدجى وسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على معاديهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد فقال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات اللهم صل على परवरदिगार हम सबको तौफीक अता फरमा मुझे भी और बानियान मजलिस को भी और साहिबान अज़ा को भी कि इन यतीमान आले मोहम्मद को दर अहले बैत तक पहुंचाने की तौफीक हमें हासिल हो इसलिए कि तमाम खूबियां और तमाम अच्छाइयां वहीं पर हैं और अगर वहां तक न पहुंचे तो तमाम रुसवाइयां और बर्बादियां भी उनसे दूर हटने में हैं। बजा फरमाया अल्लामा इकबाल ने कि बे मुस्तफा बिरसान खीशरा कि दीन हमाउस अगो अगर बे ओ नरसी दी तमाम बोला है बस खुद को मुस्तफा तक पहुंचा दो खुद को औलाद मुस्तफा तक पहुंचा दो सब कुछ वही है अगर उन तक नहीं पहुंचे तो जितनी भी तिलावत कुरान करें जितनी भी नमाजें पढ़ें जितने भी हज करें जिस तरह का भी जाहिर दीन तुम्हारे पास हो बोला है भी सब बोला है भी अहलुल बैत से वाबिस्तगी हर कमाल और हर अच्छाई की बुनियाद है। कल की गुफ्तगू में कुछ तमहीदी मनाजिल तय किए अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौजूदात बनाए हैं उनमें कुरे अर्ज पर मौजूद मौजूदात में हैवानात भी हैं इंसान भी है जो शऊर रखते हैं। एक फर्क इंसान और हैवान में ये है कि हैवानात एहसासात और जज्बात और ख्वाहिशात और ये चीज़ें रखते हैं लेकिन उनमें अकल नहीं है। चूंकि अकल नहीं है इसलिए खुदा ने उनको कोई जिम्मेदारी भी नहीं सौंपी है और एक तरफ फरिश्ते हैं उनमें अकल ही अकल है एहसासात और जज्बात नहीं है उन्हें गुस्सा नहीं आता है
उन्हें वो औलाद पैदा नहीं कर सकते हैं, न औलाद की ख्वाहिश है, उन्हें भूख नहीं लगती है, उन्हें प्यास नहीं लगती है, ये चीजें नहीं है। वो कुव्वत है, वो एनर्जी है, वो तवानाई है, और ऐसी तवानाई कि जो खुदा की इताअत में मसरूफ है, खुदा की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं। बल हुम इबादुन मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिलकौल वहुम बिअम्रिही यअमलून। ये ऐसे ज़िक़ीमत खुदा के बंदे हैं कि खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते हैं, और इनके बीच में इंसान है। खूब गौर करें, इंसान को अल्लाह ने इस तरह से पैदा किया है कि इसमें वो मलकूती खुसूसियात भी हैं, और इसी इंसान के अंदर हैवानी तकाजे और हैवानी ख्वाहिशात और हैवानी खुसूसियात भी मौजूद हैं। हैवानी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारना इंसान के लिए आसान है, लेकिन मलकूती तकाजों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीजों से एराज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से दरगुजर करना पड़ता है, और ये तरबियत का मोहताज है। बगैर तरबियत के मुमकिन नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं ये कभी कभी ये जुमला कहता हूं कि दो तरह की जिंदगी गुजारना मुमकिन है। खूब गौर कीजिएगा, एक जिंदगी इंसान अपने खालिक की मारिफत हासिल करने के बाद, जब मारिफत हासिल हो जाती है तो खुद ब खुद ये मारिफत इंसान को ले जाती है उसकी इताअत की तरफ। खुदा की मारिफत हासिल करने के बाद उसकी इताअत और उसकी बंदगी में इंसान जिंदगी गुजारता है। एक और जिंदगी की किस्म है, वो ये किस्म ये है कि इंसान खुदा को ना पहचाने, या अगर कभी ऐसा खुदा का नाम आ भी जाए तो सरसरी सा नाम आ जाए, उसकी मारिफत हासिल ना हो। उसके नतीजे में इंसान खुद को महवर बनाता है अपनी जिंदगी का, अपने वजूद को। जब अपने वजूद को महवर बनाता है तो सारे काम अपने लिए करता है, फिर खुदा बीच में नहीं है। उसकी रिजा, उसकी पसंद, उसका हुक्म, वो चीजें बीच में नहीं होती हैं। सारे काम इंसान खुद को महबर करार देकर अंजाम देता है। तो बस दो तरह के काम हैं, या खुदा महवरी के बुनियाद पर काम अंजाम पाते हैं, या खुद महवरी के बुनियाद पर। दो तरह के काम हैं। बाज लोग ऐसे भी हैं कि उनमें कुछ खुदा महवरी के बुनियाद पे काम करें, कुछ खुद महवरी के बुनियाद पे काम करें, कोई उस तरफ करीब हो, कोई इस तरफ करीब हो, इसमें बीच में दर्जात हैं, लेकिन जो पीक्स हैं वो दो हैं, या खुद महवर या खुदा महवर। खुदा महवर इंसान मासूम होता है, और खुद महवर इंसान वो कभी किसी जमाने में फिरौन कहलाया, कभी नमरूद कहलाया, कभी शद्दाद कहलाया, कभी यजीद हुआ, कभी कोई एरल शेरोन हुआ, कभी कुछ हुआ। ये खुद महवर इंसान है, सारे काम अपने लिए करने वाले इंसान। खुदा महवरी की बुनियाद पे जो काम अंजाम पाते हैं उसे बंदगी कहते हैं, और खुद महवरी के बुनियाद पे जो काम अंजाम पाते हैं उसे कहा जाता है सरकशी, तुगयानगरी। तो दो दो तरह के काम हैं, या सरकश और तुगयानगर हैं, या खुदा के बंदे हैं, बंदगी करने वाले हैं। अल्लाह ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है, अल्लाह ने इंसान के लिए जन्नत रखी है, उसकी जिंदगी की जगह जन्नत। और ये आलम, ये दुनिया, इस दुनिया में अपने आप को जन्नत के लायक बनाने के लिए हमें भेजा है कि आप जाएं और यहां काम करें, जन्नत के लिए लायक बन जाएं।
इसलिए ये आलम जिसमें हम रह रहे हैं ये जिंदगी की जगह नहीं है, ये अदा ये जिम्मेदारी की जगह है। हमें जिन जिम्मेदारियों के साथ भेजा गया है उन जिम्मेदारियों को अदा करें, ये जगह उसके लिए है, ये दुनिया इसके लिए है। और दोनों के लिए उस्वा और रोल मॉडल्स मौजूद हैं, बंदगी के उस्वा और रोल मॉडल्स भी हैं और सरकशी और तुगयानगरी के रोल मॉडल्स भी दुनिया में मौजूद हैं। जो जिस तरफ मैलान रखे उसका वजूद उसी तरह का बन जाता है। इसलिए आज दिन को कहीं पर कोई गुफ्तगू कर रहा था तो मैं वहां पर यह जुमला कह चुका हूं कि जिस घाट से इंसान पानी पीता है उसका वजूद उस तरह का बन जाता है, उसका असर उसके अंदर आ जाता है। आपके ताल्लुकात, आपके राबिते, आपके दिल और दिमाग के ऊपर कौन छाया हुआ है, किसकी हुकूमत है, जो आपके दिल और दिमाग पे छाया हुआ है आपका वजूद उसकी तरह हो जाएगा। लिहाजा मैंने शुरू में आगाज में कह दिया कि खुदाया हमें तौफीक अता कर कि हम इन इंसानों को आले मोहम्मद तक पहुंचा सके। तमाम खूबियां वहां पर हैं, इसलिए कि वह महवर और मरकज बंदगी है। अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादिल रिसाला व मुख्तलफ अल मलाइका व महबत अल वही। ज़ारत जामे कबीरा के इन अल्फाज पर गौर तो करें। ए अहले बैत नबुव्वत, तुम पर हमारा सलाम हो। ए आसमानी किताब के नुज़ूल का मरकज, तुम पर सलाम हो। ए फरिश्तों के आमद और रफ्त का दरवाजा, तुम पर सलाम हो। जहां पर आलम मलकूत का राबिता मुसलसल बरकरार रहे किसी दरवाजे के साथ, उससे इंसान जुड़ जाए तो वो इंसान कुछ और बन जाता है। इसलिए असल दीन है उनके साथ वाबिस्तगी, उनके साथ ताल्लुक, उनसे राबिता। और जिसका ताल्लुक जितना ज्यादा होगा उतना वो पाकीजा इंसान बनता जाएगा। आप हजार गिरा में कदर अच्छी तरह आशना हैं कि जितने भी खुदा की इनायतें हैं इंसान के ऊपर, वो तमाम इनायतें उसी बंदगी के महवर के गिर्द घूमती हैं कि किसकी बंदगी कितनी है। कल मैंने हजरत अबुल फजल अब्बास के हवाले से एक जुमला कह दिया था कि तमाम शोहदा हजरत अब्बास के मकाम को देख के रश्क करेंगे। ये कोई हजरत अब्बास की खुसूसी रिश्तेदारी खुदा के साथ नहीं है। खुदा किसी को नवाजता है तो बिला वजह नहीं नवाजता है। कोई खुसूसियत उसमें है कि जो औरों में नहीं है, उस खुसूसियत को तलाश करनी चाहिए। और वो खुसूसियत हजरत अबुल फजल अब्बास की इताअत है, बंदगी है। वही इताअत और बंदगी इंसान को उठाती है, बुलंदियों की तरफ ले जाती है। बरादराने गिरामी कदर, यहां से मुझे आगे बढ़ना है लेकिन अभी इस वक्त सारे दस मेरे जहन में एक बात आई है, वो बात मैं आपके साथ शेयर करूं फिर आगे बढ़ जाऊंगा। हम जब दुनिया में रहते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात रवाबित आना जाना, उसके नतीजे में जहनी ख्यालात और तसव्वुरात बनते हैं और वो तसव्वुरात और ख्यालात इंसान को हरकत की तरफ वादार करते हैं। जैसी सोच और जैसी फिक्र होगी उसकी हरकत और उसकी तलाश उसी तरह की हो जाती है। क्योंकि ये आलम मादा है, इस आलम मादा में जो सबसे निचला मर्तबा है, सबसे निचला, वो है माल दौलत। माल और दौलत की अपनी एक कशिश है, एक अट्रैक्शन है और इंसान खुद ब खुद उसके पीछे जाता है, उसकी तरफ खींचता है माल और दौलत की तरफ। बाद लोग माल और दौलत के एतबार से तंगदस्त होते हैं, बाद लोग फराखी और आसाइश में होते हैं। इससे ऊपर का दर्जा है वो है इल्म और फहम। इल्म और फहम में बाद लोग तंगदस्त होते हैं, बाद लोग फराखी में होते हैं, आसाइश में होते हैं।
उससे ऊपर है मानवियत और मारिफत, पर्दों का हटना, हकायक को देखना, पूरी कायनात की असल और रूह तक पहुंचना और मकसद तखलीक को समझना, ये बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा, बहुत ऊंचा मर्तबा है। इसमें कुछ लोग तंगदस्त हैं और कुछ लोग फराखी में होते हैं। मुझे बता दें फकीर कौन सबसे ज्यादा है? जो माली एतिबार से जिसके पास माल और दौलत ना हो वो फकीर है, या अक्ल और फहम ना हो वो फकीर है, या इल्म और मारिफत ना हो वो फकीर है? कौन फकीर है? फकीरी की कई किस्में हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यानी जो आम जो निचले तबके निचले दर्जे के जो अफराद हैं उनको ऐसा लगता है कि जो इसके पास पैसा ना हो वो फकीर है, लेकिन इससे ऊपर के दर्जे के लोग इल्म को और इल्मी फकीरी को फकीरी समझते हैं, और उससे ऊपर के दर्जे के लोग मारिफत और हकाइक आलम को कश्फ न कर सकना और हमेशा आंखों के ऊपर पर्दे पड़े हुए रखना, ये सबसे बड़ी फकीरी समझते हैं। अगर ये पर्दे ना हट जाए और उस आलम तक रसाई हासिल ना हो तो इसके मानी है वो बंदा फकीर है, वो तंगदस्त है, वो हकीकतन फकीर है। उस मकाम तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है कि इंसान अपनी फकीरी को बरतरफ करे, उस मकाम तक पहुंच जाए? उस मकाम तक पहुंचने का रास्ता इताअत खुदा का रास्ता है, इताअत खुदा का रास्ता। हर किसी का एक रास्ता है, पैसे कमाने का एक रास्ता है, इल्म हासिल करने का एक रास्ता है, लेकिन मानवियात तक पहुंचना, आलम मलकूत तक पहुंचना, मारिफत तक पहुंचना, उसका एक रास्ता है। उसका रास्ता इताअत खुदा है, बंदगी खुदा। शायद मैं पहले ये जुमला कभी इसी अदाखाने में कह चुका हूं, मुझे याद है पिछले साल एक जुमला में कह चुका हूं। आप देखें तो सही, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी नबूवत अताए खुदा है, इनायत खुदा है, नबी को अहल समझा, लायक समझा और एक जिम्मेदारी अता की, नबूवत अता की। नबूवत जिम्मेदारी है और पैगंबर अकरम ने निभाया उस जिम्मेदारी को, बखूबी निभाया और हक अदा कर दिया। लेकिन हम आप जब नमाज पढ़ते हैं तो इसी का इकरार भी करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, यह हमने अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी। उसके बाद उसी के साथ ही अल्लाह की वहदानियत की गवाही के साथ ही रसूल की रिसालत की भी गवाही दी, वह अशहद अन्न मुहम्मदन आब्दुहु व रसूलु, यानी असल हम गवाही तो दे रहे हैं कि मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, लेकिन उसके रसूल होने से पहले उसकी अब्दियत और बंदगी की गवाही देते हैं। अशहद अन्न मुहम्मदन आब्दुहु व रसूलु, मालूम होता है कि वो रिसालत जो खुदा ने हजरत मोहम्मद को अता की है वो अब्दियत का नतीजा है, बंदगी का नतीजा है, इताअत का नतीजा है। उसी तरह से एक और चीज इस पर भी गौर कीजिएगा, हजरत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को आपको अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में मेराज नाम का एक वाकया है, और उस वाकये में अल्लाह ताला ने आलम मलकूत की सैर कराई पैगंबर को जीती जागती आंखों के साथ, ख्वाब में नहीं, मुकाशफे में नहीं, इसी तरह ले गए। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौला,
तो अल्लाह ताला ने इसको जीती जाती आंखों के साथ पैगंबर को सैर कराई और ये वाकया मेराज के नाम से मशहूर है और ये बहुत अजीब गरीब वाकया है कि खुदा कुरई अर्ज से किसी बंदे को उठाए और समावात की सैर करा दे और कोई चीज उनसे छुपा के ना रखे, बहिश्तों को दिखा दे और उससे भी आला मकामात तक ले जाए और वहां तक ले जाए कि हजरत जबराइल भी हाथ जोड़ के कहे कि इससे आगे अगर बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। इतनी इतनी आला रुतबे तक पहुंचा दिया और उसका ऐलान कुरान में कर दिया कि हमने अपने बंदे को सैर कराई। अच्छा, जब कुरान में ऐलान कर दिया तो खूब गौर कीजिएगा, पैगंबर अकरम के हवाले से कुरान में बहुत सारी आयतें हैं, कहीं पर नाम लेके है वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद रसूल है यानी नाम लिया है मोहम्मद का, कहीं पर मनसब का नाम लिया है या अय्युहन नबी, ए हमारे मनसबदार, और कहीं पर उसके पैगाम रसानी की जो जिम्मेदारी है उसको उस इनवान को करार दिया और कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, ए हमारे पैगाम पहुंचाने वाले ये जरूरी पैगाम जो तुम पर नाजिल हो चुका है उसे पहुंचा दो, वइन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता, अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ भी नहीं पहुंचाया। तो यहां या अय्युहर रसूल के जरिए से मुखातब किया, कहीं पर प्यार और मोहब्बत का लहजा नजर आता है, झलकता है, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लतश्का, ए तय्यिब ताहिर, हमने ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया है कि तुम इतनी मशक्कतें उठाओ, यानी पैगंबर याद खुदा में, इबादत खुदा में, जिक्र खुदा में इतनी देर तक खड़े रहते थे कि आपके कदम मुबारक में वर्म पैदा होता था और कसरत इबादत से खुद खुद खुदा को रहम आता है, मा अनज़लना अलैकल कुरआन लतश्का, हमने आप पर यह कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप इतनी जहमतें उठाएं। तो कहीं पर यासीन, कहीं ताहा, यानी इन अलकाब से मुखातब किया, लेकिन जब पैगंबर को मेराज पे ले जाने का तज़किरा किया तो न उन प्यार भरे अलकाब का जिक्र है, न मनसब का जिक्र है, न नाम का जिक्र है, बल्कि कोई और इनवान है और वो इनवान है अब्दियत और बंदगी। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, मालूम होता है कि मेराज तक पहुंचने का रास्ता बंदगी है, इंसान बंदगी के जरिए से मेराज तक पहुंचता है, इताअत खुदा, इताअत खुदा के नतीजे में इंसान मेराज तक पहुंचता है। तो इन चीजों को आप जरा तवज्जो से जब आप मुतालिया करते हैं, गौर करते हैं तवज्जो के साथ, तो समझ में आता है कि इंसान की तमाम तर कामयाबी, हर तमाम कामयाबियों का महवर और मरकज खुदा की बंदगी है। अच्छा, यही इंसान कि जिसको खुदा ने अकल भी अता की, जिसको एहसासात और जज्बात भी अता किए, एहसासात और जज्बात इंसान को खींच के कहीं और ले जा रहे होते हैं और अकल इंसान को किसी और तरफ खींच रही होती है, तो ऐसे में इस इंसान को कमाल तक पहुंचने के लिए अक्ल इंसानी भी कहती है कि जिसने तुझे बनाया है उसकी खिलाफवर्जी ना करो, ये अक्ल इंसानी भी कहती है इंसान को, कत नजर कुदस कुरान, कत नजर हदीस, कुरान और हदीस के अहकाम अपनी जगह, लेकिन अक्ल भी रहनुमाई करती है कि या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकक फसव्वाक फअदलक, के इंसान तुझे किसने धोखे में डाल दिया, किसने उस रब करीम के दरवाजे से तुम्हें दूर कर दिया, जिसने तुझे बनाया, तुम्हारा वजूद उसकी अता है, अल्लज़ी खलकक उसने बनाया, फसव्वाक फअदलक
और एक मुतवाजिन शक्ल में तुझे दुनिया में ले आया है। आपके अंदर वो तमाम सलाहियतें, वो तमाम इस्तेदादात जो आपको कमाल तक पहुंचने के लिए जरूरी थी, वो तमाम सलाहियतें और इस्तेदादात से नवाजा, सब कुछ दे दिया। अब आप उसे छोड़ के कहीं और जा रहे हो। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, उस रब करीम से किसने तुम्हें दूर कर दिया? तो उस रब करीम तक पहुंचने का रास्ता इताअत खुदा है। इताअत खुदा, इताअत इंसान को अपने आमाल में बेराहरवी से रोकती है। इताअत इंसान को जिम्मेदार बना देती है, अपनी निस्बत भी, अपने घर के अफराद की निस्बत भी, मुआशरे के दीगर इंसानों की निस्बत भी, हत्ता जानवरों की निस्बत भी। इंसान एक जिम्मेदार मखलूक बन जाता है। जब जिम्मेदार बनता है तो किसी जानवर पर भी जुल्म और सितम नहीं कर सकता है। अच्छा अच्छा नुक्ता यहां पर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इंसान की मानवी इर्तिका में कई चीजें मुअसर हैं, उनमें सबसे अहम चीज खुद उसकी अकल है। खुद अकल, बहुत सारे लोग दुनिया में, बहुत सारी कौमें दुनिया में शायद वही से उतने मरबूत नहीं है, ना बाइबल से ना कुरान मजीद से, बाइबल से भी इतने मरबूत नहीं है, लेकिन उनकी सोशल लाइफ इंतहाई सिविलाइज्ड है, इंतहाई सिविलाइज्ड। उस सिविलाइजेशन में उनके दानिश्वरों की एक अरसे तक उनकी तरबियत है, उस तरबियत के नतीजे में बेराहरवि से वो बचे हुए हैं, ठीक है, अकल के जरिए से बचे हुए हैं। हमारे यहां मसला ये है, मुसीबत ये है हम मुसलमानों में कि हम उस चीज को अभी तक लेने के बजाय, उसको रूह दीन समझने के बजाय, हमने जाहिर दीन की जो चीजें हैं उनको ले लिया है। खूब गौर करें, ये थोड़ी सी पेचीदा और मुश्किल बात है, शायद बात लोगों के हजम भी ना हो, लेकिन ये वाकईयत है। फर्ज कर लें कि हमने समझा कि नमाज का नाम दीन है, यह हज करने का नाम दीन है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 मरतबा हज कर चुका हूँ, 25 मरतबा हज कर चुका हूँ, जितने मरतबा भी हज कर चुके हैं, आप में इंसानियत कितनी आ गई है, कितनी इंसानियत आ गई है। जाहिर दीन फलों को, बास फल मतलब अखरोट, आप करीब से देख नहीं चुके होंगे, मैं तो कई मरतबा देख चुका हूँ, अखरोट का सबसे बाहर छिलका होता है, वो उसे अंदर के उस फल को महफूज रखने और उसे पकाने के लिए उसकी जरूरत होती है। जब तक वो पकने तक वो है छिलका, जब पक गया तो वो छिलका उतर जाता है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही, वो उतर के गिर जाता है। फिर उसके ऊपर एक और छिलका है, वो छिलका मग्ज की हिफाजत करता है, उस वो छिलका जब तक है मग्ज महफूज है। छिलके जरूरी हैं मगज के लिए, खुद छिलका फल नहीं है, खुद छिलका फल नहीं है, छिलका मगज को महफूज रखने के लिए जरूरी है। बाद प्रैक्टिस ऐसी हैं कि रूह दीन की हिफाजत के खातिर जरूरी है, वो खुद दीन नहीं है। खुद दीन खुदा तक पहुंचना, और खुदा तक पहुंचना रसूल के बगैर मैसूर नहीं है, और रसूल तक पहुंचना अली के बगैर मैसूर नहीं है। तो रूह दीन वो अगर ना हो तो जाहिर दीन किसी काम की नहीं है, वो किसी दर्द की दवा नहीं है। खुश हो जाए, कितना असफनाक और अफसोसनाक और दर्दनाक बात है कि दुनिया में, अलबत्ता इसके पीछे भी शैतानी कुव्वतों का हाथ है, मेरा यकीन यह है कि दुनिया में सबसे वहशी तरीन कौम मुसलमानों के अंदर नजर आते हैं, वहशी तरीन अफराद। बम ब्लास्ट करना,
लोगों के मजमे के दरमियान कोई फायदा नहीं, उस बम ब्लास्ट करने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, यानी रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं है। लेकिन बम ब्लास्ट करने वाले कोई और नहीं है, मुसलमान है, दाढ़ी भी है उनकी, नमाज भी शायद पढ़ते हो, शायद मुझे नहीं मालूम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बहरहाल जाहिर दीन उनका ऐसा लगता है कि ये दीनदार समझते हैं अपने आप को। लेकिन इंसानियत के कातिल, अभी जो कुछ आपके पंजाब में मसीहियों के साथ हुआ वो कितना दर्दनाक है, कितना अफसोसनाक है। एक ख्याली और वहमी बात के ऊपर वो अगर बात सही भी है तो ये काम नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया, ये इंसानियत नहीं है। खूब और करें, अगर यही काम गर्व में मुसलमानों के खिलाफ होता, इसी तरह का काम, वो आपको पालते भी हैं, आपको पैसे भी देते हैं, आपको जिंदगी भी देते हैं, अपने मुआशरे का हिस्सा भी बनाते हैं, और आपके पास जो थोड़े से हैं उनके साथ आप ये सितम कर रहे हैं, ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा दीन है, किस पैगंबर ने आपको ये तालीम दी है, क्या पैगंबर के बारे में आप ये नहीं लिखते हैं सीरत पैगंबर में कि कोई खातून आपके ऊपर मुसलसल कचरा फेंकती थी, एक दिन वो नजर नहीं आई तो पैगंबर ने पूछा कहां गए, का बीमार है, उसकी इयादत को पैगंबर गए, ये अखलाक कहां, तुम्हारा किरदार कहां। क्या रखते हैं, उसकी वजह यह है कि छिलके को दीन समझा जाए, रूह दीन से दूर। और मैं तो मौतकिद हूं ये 100% तायीद शुदा बात है कि इंसान जिस तरह के लोगों के साथ जुड़ जाता है उसकी फिक्र वैसी बन जाती है। जब आप हाकिम शाम के वफादार रहोगे, उनके साथ जुड़ जाओगे, तो वही करतूत तुम्हारे वजूद के अंदर आ जाएंगे, जो उन्होंने किया वही आप कर रहे हैं, जो उनका काम था वही आप कर रहे हैं, वही उसी का नाम इस्लाम रखा, उधर भी इस्लाम रखा था। और बहुत अजीब है, किसी अरब शायर ने कितना खूबसूरत ये शेर कहा है कि वही कब्बिरूना बे अन कुतिलत व इन्नमा قتلوا بك التكبير والتحليل। حضرت ابو عبد الله الحسین کی شہادت کے بعد پہلے تو ان میں ہمت نہیں ہو رہی تھی حضرت ابو عبد الله کے قریب جانے کی، لیکن جب ان کو شہید کر دیا تو شہادت کے بعد اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگے۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ وہ یکبرون بان قتلت، आपके कत्ल होने पर ये तकबीर पढ़ते हैं, वह इन्नमा कत्लु बिकत तकबीर व तहलीला। इन बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि आप कत्ल नहीं हुए, तकबीर खुद कत्ल हुई है, खुद तकबीर कत्ल हो चुकी है। ये मिजाज है, ये उस जमाने का मिजाज, और वही उसी मिजाज के लोग ये हमें नजर आते हैं। बस मेरी गुफ्तगू तमाम हो गई। इंसान अगर बंदगी के रास्ते से हट जाए, रूह दीन तक न पहुंचे, सरकशी और तुगयानगरी अपनाए, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो किसी भी जुर्म को करने से नहीं झुकता है, बड़े से बड़ा जुर्म। वाकया ये हम देखते हैं, करबला में हमने देखा, उससे पहले भी देखा, उसके बाद भी देखा, दाइश के जरिए से भी देखा, हमारे मुल्क में भी देखा। हम तसलसल के साथ उन मजालिम को देख रहे हैं, एक खास नुक्ते नजर की तरफ से, एक खास मकतब फिक्र की तरफ से, जिसके ताल्लुकात जिधर हैं उसी तरह की फिक्र, उसी तरह का अमल और उसी तरह का किरदार, ये उसी सरकशी और तुगयानगरी का नतीजा है, और ये दर अहले बैत से दूरी का नतीजा है, दर अहले बैत से दूरी। और तमाम खूबियां वहां पर हैं अहलुल बैत अलैहिम अस्सलाम तक पहुंचने में। बस मेरे गुफ्तगु तमाम हो गई, और खुदा की कसम करबला में सब्र की भी इंतहा थी और जुल्म की भी इंतहा। जुल्म कैसा जुल्म, अल्लाहु अकबर। मर्द बहरहाल
معمولاً مردوں میں مقابلہ کرنے اور ہمت کی توانائی زیادہ ہوتی ہے, مشکلوں کو سہنے اور ان کے مقابلے میں کھڑے رہنے کی توانائی مردوں میں زیادہ ہوتی ہے. خواتین معمولاً رقیق القلب, نرم مزاج, اللہ نے ان کو بنایا ایسا ہے, جلدی متاثر ہونے والی, جلدی رونے والی, جلدی پریشان ہونے والی. کربلا پر ایک نظر ڈالیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم میں میرے زندگی کے کچھ تجربات ہیں, آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے, کہ خدا ہماری سب بہنوں کو ان کے بھائیوں کی حفاظت فرمائے, ان کو خوشیاں عطا فرمائے. کبھی اگر کسی بھائی کا جنازہ سامنے آتا ہے اور بہنیں ان کے جنازے پہ آتی ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے دیکھا ہے. اور میں کربلا کے بارے میں سوچتا ہوں تو حیرت زدہ ہوں کہ امیر المومنین کی شیر دل بیٹی میں کیا ہمت تھی, کیا توانائی تھی. اللہ اکبر, کوئی ایک بھائی نہیں, صبح عاشور سے جنگ شروع ہوئی اور عصر پہ ختم ہوئی, اور اس دوران میں کم از کم 18 بھائی, اولاد جعفر, اولاد مسلم اور اولاد حضرت علی بن ابی طالب, ان سب کی تعداد کو نکالیں تو 18 بھائی بن جاتے ہیں. 18 بھائی, اور یکی بعد از دیگری سب کے جنازوں کا آنا اور بہنوں کا اس منظر کو دیکھنا, کس طرح سے انہوں نے برداشت کیا, کس طرح سے انہوں نے یعنی اس کو سہا, یعنی انسان کی فہم اس سے بالا تر ہے. اور پھر بھائیوں میں بھی ابو الفضل العباس جیسے بھائی, حضرت ابا عبداللہ الحسین جیسے بھائی, کس طرح سے حضرت زینب نے اس کو برداشت کیا خدا جانے, یعنی ہمارے فہم میں نہیں آ سکتا. کس طرح سہا واقعہ کربلا کو, کس طرح برداشت کیا. یہ تو روز عاشور کا واقعہ ہے اور شام غریباں کا واقعہ اس سے دردناک تر ہے. اس لیے دردناک ہے کہ ابھی یعنی مصائب سے گزری تھی کہ اچانک رات یعنی شام چھا گیا, تاریکی چھا گئی, اور ایسے میں اشقیا آئے, خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا اور سیدانیوں کی چادروں کو چھیننا شروع کر دیا. جن بیٹیوں کے شان میں یعنی بھئی آئے تطہیر کے سائے میں پلنے والی بیٹیاں, ان کے ساتھ یہ منظر سامنے آ جائے تو کس طرح سے انہوں نے برداشت کیا. اجرکم علی اللہ, یعنی ناقابل تحمل ہے یہ بات, ناقابل فہم ہے یہ بات. اور اس کے بعد جب بچے بکھر گئے صحرائے کربلا میں, تو ان بکھرے ہوئے بچوں کو سنبھالنا اور ان کو اکٹھا رکھنا, خدا کی قسم زینب نے کتنا بڑا کام کیا. اور اس کے بعد 11 محرم کو انہیں قیدی بنا کے لے جایا جانا, اور کنے قیدی اولاد پیغمبر کو, کنے قیدی اولاد امیر المومنین کو, اور قیدی کر کے کہاں لے جایا جا رہا ہے, جہاں یہ شہزادی تھی جناب زینب, قیدی کر کے ادھر لے جایا جائے. اور قیدی کر کے جب لے جانے کے لیے آئے تو حضرت زینب نے فرمایا, خبردار ہمارے قریب نہ آنا, ہم آل محمد ہیں اور میں خود سوار کروں گی. ایک ایک کر کے سب کو سوار کیا, سوار کرنے کے بعد جب آخر میں تنہا رہ گئی تو ایک مرتبہ نہر القمہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا, اے عباس, کس عزت اور احترام کے ساتھ تو نے مجھے سوار کیا تھا, اب اپنی بہن کی حالت کو دیکھ لے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. لے جایا گیا, قیدی بنا کے لے جایا. یہ سب دیکھو, یہ سب مصائب ہیں مسلسل. وہ زینب جو شب عاشور کو سوئی نہیں ہے, کچھ کھایا نہیں ہے, کچھ پیا نہیں ہے, مصیبتوں پر مصیبتیں مسلسل سے رہی ہے, اور 11 محرم کو جب ان کو قیدی بنا کے لے جایا گیا تو انہیں وہاں سے گزارا گیا جہاں بھائیوں کے جنازے پڑے تھے. جیسے ہی نظر بدن اور آل ابا عبداللہ پر پڑ گئی تو حضرت زینب کو ایسا لگا جیسے جان چلی گئی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اور یہ یعنی کہتے ہیں کہ جنگ خیبر کے بعد
मरहब की बहन कैदी हो गई थी, उनको कैदी करके ले जाया गया। जब मदीना पहुंची तो हजरत रसूलुल्लाह की नजर मुबारक उन पर पड़ी और कहा कि एक कनीज़े खुदा, मेरे असहाब ने तुम्हारे साथ कोई नाशायस्ता सलूक तो नहीं किया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इन्होंने कोई नाशायस्ता सलूक नहीं किया। कहा फिर अगर नाशायस्ता सलूक नहीं किया तो ये तुम्हारे चेहरे पर आंसुओं के आसार क्यों हैं? नबी रहमत आंसुओं के आसार देख के बेचैन होते हैं कि आंसुओं के आसार क्यों हैं। उस खातून ने कहा या रसूल अल्लाह, जहां मेरा भाई का जनाजा पड़ा था वहां से मुझे गुजारा, जब मेरी नजर भाई के ऊपर पड़ी तो बेख्तियार मैं रोई। फिर हजरत रसूलुल्लाह को इतना गुस्सा आया कि उन लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे दिल में क्या, तुम्हारे पहलू में, तुम्हारे सीने में क्या दिल नहीं है? कहीं बहनों को वहां से ले जाया जाता है जहां भाइयों के जनाजे हो। मैं अर्ज करता हूँ या रसूल अल्लाह, ये सितम भी आपके आल के ऊपर पूरा हुआ, आपकी बेटियों को वहां से ले जाया गया जहां पर وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء بحق زهرا وأبيها ووعلها وبنيها وسر المستودع فيها فروردگارا ہم سے ہمارے اس عمل قلیل کو قبول فرما خدایا دنیا میں سر بلند اور باعزت رکھ خدایا آخرت میں ہماری عاقبت کو خیر کر خدایا ہمیں اہل البیت علیہم السلام سے ایک لحظے کے لیے بھی جدا نہ فرما پروردگارا ان کی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما پروردگارا دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مومنین بستے ہیں خدایا ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما پروردگارا جو ممالک دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما ان کے دشمنوں کو نابود فرما خدایا انہیں ان کے دشمنوں پر برتری عطا فرما وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین یا حسین 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 برباد ہوئی میں برباد ہوئی میں برباد ہوئی ماتم کے لیے حلقہ بنا لیجیے گا جو جو موجود ماتم میں شامل ہوئی کربلا جزاک اللہ ماتم میں شامل ہو جائیے برباد کہ زینب کو نارا سایا محرم کا مہینہ برباد ہوئی اجڑا مدینہ برباد کہ ایک دن تھا کہ اس شہر کی کرتی تھی میں شاہی اور آج تباہی اور مل کر ہی بے غسل پڑا مہر نبو وت کا نگینا برباد ہوئی میں ہوئی کربلا اجڑا
हाँ किस लाश पे रोऊं किसे छोड़ूं मैं बरादर लाशे हैं बहतर लाशे तर हद ये है कि रोने की इजाजत भी मिली ना बर्बाद बर्बाद हूँ कि ज़ैनब को नाराज आया मुहर्रम का महीना बर्बाद कि असगर का गला भाई का सर सीना अकबर सब गौहरो चादर सब गौहरो चादर दश्त में लूटा गया ज़ैनब का सफीना बर्बाद मैं आबाद हुई करबो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई करबो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं के असगर का गला भाई कसर सीना अकबर सब गौहरो चादर सब गौ मिलकर में लूटा गया ज़ैनब का खजीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई करबो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई करबो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं के माएं भी ना पहचान सकी बच्चों के चेहरे बिखरे हुए सेहरे बिखरे हुए सेहरे है खून के दरिया में गरीबों का सफीना बर्बाद हुई मैं ज़ैनब को नाराज आया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं चादर छीनी दूर ले लिए अब जुल्म न ठाओ बाबा से मिलाओ सकीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई करबो बला उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं आबाद हुई करबो बला उजड़ा मदीना बर्बाद किस लाश पे रोऊं किसे छोड़ूं मैं बरादर लाशे हैं बहतर लाशे हैं बहतर हद ये है कि रोने की इजाजत भी मिली ना बर्बाद बला उजड़ा मदीना
हाँ वो आबिदे बीमार था, बीमार था, हाँ वो आबिदे बीमार था, बीमार था, हाँ चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, लाचार था, हाँ और शाम का बाजार था, बाजार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला इमाम या हसन या हुसैन, मौला इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हाँ शब्बीर की वो लाडली, वो लाडली, हाँ सीने पे जो शाह के पली, जो शाह के पली, हाँ जिसकी अबावन में जली, जिसकी अबा बन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन محمد و آل محمد سلام متوجہ زیارت السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا باعث الہدا السلام علیک یا رحمت للعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا امام الانس والجان السلام عليك يا مظهر الايمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قاطع البرهان السلام عليك يا إمام زماننا هذا جل الله تعالى فرج وسهل الله مخرج وزهورك السلام عليك ورحمة الله وبركاته